यूपी की 80 सीट घात लगाए बैठे विपक्षी। क्या बीजेपी मार लेगी बाजी या फिर इस बार है विपक्ष की तगड़ी तैयारी? ठाकुर वोट बटेगा या फिर एनडीए का होगा? जी हाँ, जब बात हम यूपी की लोकसभा की 80 सीटों की करें तो इसका जातीय समीकरण समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोकसभा सीटों में पहले नंबर पर आने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन वोटों की जिस पर नजर गड़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह वो जाति में आती है जिसको अपने पाले में करने के लिए घात लगाए सारे दल बैठे हैं। और रही बात बीजेपी की, तो उसका एक बड़ा समर्थन मिलता आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के ठाकुर वोटों की। आखिर यूपी का ठाकुर वोट क्या कहता है? देखिए, अगर बात हम 2014 की 2019 की करें तो लगातार ठाकुर वोट बीजेपी के पाले में गिरा था। मगर वर्तमान समय की बात करें तो कहीं न कहीं ठाकुर वोट भाजपा से नाखुश भी दिखाए, और उसकी बड़ी वजह रही है धनंजय सिंह का जेल जाना, जिसके बाद से सोशल मीडिया पे राजपूतों ने कैंपेन तक चलाया था कि भाजपा का साथ 2024 में नहीं। तो दूसरी ओर ब्रजभूषण का पार्टी से टिकट न मिलना भी एक बड़ा फैक्टर देखने को मिल रहा है। तो यह वो दो मुद्दे हैं जो इस बात साफ कर रहे हैं कि एनडीए दल के साथ राजपूत इस बार नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इसका दूसरा फैक्टर देखें तो आपको यह भी हैरानी होगी कि बीजेपी का जो यूपी में 75+ का एजेंडा है, उसमें ठाकुर वोट कहीं नहीं बढ़ता दिख रहा। जी हाँ, ठाकुर वोट वहीं का वहीं रहते हुए नजर आ रहा है। अगर यूपी में ठाकुरों की संख्या पर बात करें तो लगभग 20 से 22 लाख है। वहीं खबरों की माने तो आने वाले ओपिनियन पोल यह दावा करते नजर आ रहे हैं कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती नजर आ रही है। बीजेपी को राज्य में जाति समीकरण में सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। यूपी के 82% ठाकुर वोटर एनडीए के साथ जा सकते हैं। वहीं 60% ठाकुर वोटर इंडिया एयरलाइंस और 5% बीएसपी के पक्ष में हो सकता है, जबकि 6% ठाकुर वोटर अन्य समर्थन में जा सकता है। तो ठाकुर वोटों का समीकरण साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखा जाए तो यह चर्चा जो बाजार में घूमती फिरती नजर आ रही है कि ठाकुरों का वोट जो कभी बीजेपी का हुआ करता था वो अब बढ़ जाएगा, धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हो या फिर ब्रजभूषण का टिकट, और तो और राजा भैया को लेकर बीजेपी की रणनीति कि वह ठाकुर वोट बचाने के खातिर उनका इस्तेमाल कर रही है, ये तमाम बात दरकिनार करते आंकड़े यही कह रहे हैं कि एनडीए के खेमे में है उनका पुराना ठाकुर वोट। तो समीकरण की बात करी जाए या फिर ठाकुरों के वोटों की नाराजगी की बात की जाए, लेकिन लगातार अगर बात की जाए तो जो बीजेपी का एजेंडा है, जिसकी बात अभी हमने ऊपर भी करी कि किस तरीके से बीजेपी का यूपी में जो 75+ का एजेंडा है, उसके बतौर ठाकुर वोट जो उसका पहले से ही उसके साथ ही रहा है, वो कहीं भी उसको छोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो चाहे नाराजगी को लेकर के बात हो या फिर जन विकास और जनता के भीतर के मन की बात हो, आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि ठाकुर वोट एनडीए का था, एनडीए का है और एनडीए का रहता नजर आ रहा है।